सावन की शुरुआत हो चुकी है और इस मौसम में साबूदाना वड़ा तो खाना ही चाहिए। इसके लिए आप ले लें 1.5 कप साबूदाना। आप इसे धोकर 2.5 कप पानी के साथ 6 से 7 घंटे के लिए भिगा लें और 6 से 7 घंटे के बाद ये देखिए, अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी हो तो आप उसे निकाल दें और साबूदाना को आप जब प्रेस करें तो ये अच्छे से मैश हो जाए। आपको इसे तब तक भिगा कर रखना है। अगर ऐसा ना हो तो आधा घंटा आप इसे और भिगा कर रख दें। इसमें डालने के लिए लिया है मैंने 3 उबले आलू, 2 इंच कटा हुआ बारीक अदरक, 2 हरी मिर्ची, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच शक्कर, 1/2 कप कटा हुआ हरा धनिया, नमक, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, और 1/2 नींबू का रस। और इसमें मैंने डाला है भुना हुआ मूंगफली का पाउडर, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सारी चीज़ों को हम भीगे हुए साबूदाना में मिला लेंगे। तो आप आलू को अच्छे से मैश कर लें। आलू में एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो साबूदाना के वड़े हैं वो अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। साबूदाना वड़ा ज़्यादातर लोग फास्टिंग में खाते हैं और ऐसे भी सावन का महीना चल रहा है, कुछ लोग सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं, तो आप इसे अच्छे से व्रत में खा सकते हैं। ये काफ़ी ही हेल्दी होता है खाने के लिए। आप इसमें 4 से 5 काली मिर्च भी कूट कर डाल सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप काली मिर्च यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। भुनी हुई मूंगफली डालने से इसमें एक अच्छा क्रिस्पीनेस तो आता ही है, साथ में इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आप हर चीज़ अच्छे से मिक्स कर लें, आलू को भी अच्छे से मैश कर लें और आप इसे मैश करने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे साबूदाना में सभी चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि ये जो मसाला है आपके हाथों में चिपके बिल्कुल भी नहीं, और नॉर्मली जैसे हम वड़ा बनाते हैं वैसे ही आप इसे दोनों हाथों के सहायता से बना लें। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आपको बड़ा चाहिए या छोटा, और आप इसे बहुत ज़्यादा प्रेस करके ना बनाएं और एक साथ 4-5 वड़े बनाकर आप इसे प्लेट में रख लें। तेल को मीडियम फ्लेम में गरम कर लें और उसमें एक एक करके वड़ा डाल दें। आप वड़ा डालने के बाद इमीडिएटली उसे टर्न बिल्कुल भी मत कीजिएगा, उससे वड़े टूट सकते हैं। एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसे दूसरे साइड से फ्राई कीजिएगा, और एक साथ आप बहुत सारे वड़ा इसमें ना डालें। इसके साथ खाने के लिए हम बनाते हैं बहुत ही यमी चटनी। मैंने 1 कप हरा धनिया, 2 से 3 चम्मच भुना हुआ मूंगफली का पाउडर, 2 इंच टुकड़ा अदरक का, और इसमें मैंने डाला है 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 3 से 4 चम्मच दही का। अगर आपको चटनी थोड़ी पतली चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा दही भी डाल सकते हैं। नमक आपके स्वाद के अनुसार, और 1 से 2 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, आपको इसका फाइन एक पेस्ट बना लेना है। चटनी हमारा जो है रेडी हो चुका है। और ये देखिए, वड़े एक साइड से तल के रेडी हो चुके हैं, तो आप इसे धीरे से दूसरे साइड के लिए पलट दें। आप इसे 2 से 3 बार पलट कर ऐसे ही फ्राई करें। आपको ये तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन कलर के ना हो जाए और ऊपर की लेयर इसके क्रिस्पी ना हो जाए। साबूदाना वड़ा आप हमेशा गर्मा गर्म ही परोसें। ये देखिए, ये ऊपर से कुरकुरी और अंदर से एकदम मुलायम होती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।